संकल्प यात्रा निकला है, क्या उद्देश्य है? और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जितनी स्कीमें भारत सरकार ने चलाई है उनका लाभ सारे लोगों को मिल सके। अभी तक हम लोग अगर सैचुरेशन स्कीम में 20% है, किसी में 40% है, किसी में 60% है, तो हम लोग उसको 100% तक कैसे ले जाते हैं? तो बहुत सारे लोग जो यहाँ होंगे उनमें कुछ लाभार्थी हैं कुछ नहीं है, तो कोशिश ये है कि लाभार्थी हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बताएं, ताकि जो लोग नहीं है उनको मार्गदर्शन मिल सके कि कैसे इन स्कीमों का लाभ उठाना है। और जो स्कीमें लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है उनसे मैक्सिमम लोग ले सके, इसका मुख्य पर्पस है। और ऑफकोर्स कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इसी स्कीम के बारे में बताया, इसी यात्रा के बारे में बताया। और सिर्फ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसको चलाने का, तो प्रधानमंत्री की सोच इसमें यह है कि लेडीज को क्या करते हैं कि आप लोग बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाती हैं, औरतें स्कूटर नहीं चलाती हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाती हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस चीज है वो सिर्फ औरतें चलाएंगी। तो ये ड्रोन का प्रशिक्षण सिर्फ औरतों को दिया जाए, आज की तारीख में जो निर्देश है सरकार के वो ये ड्रोन जो है सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सिर्फ औरतों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हर गांव में जो आप फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करेंगे उसमें महिलाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होगा। ये तो आपके जो पति और आपके फैमिली के लोग जो खेतों में काम करते हैं और जो फर्टिलाइजर्स जो बहुत ज़रूरी है उसके उत्पाद बढ़ाने के लिए, उसमें आपकी भागीदारी है ये। तो इसलिए आप लोग सबको इसके बारे में पता करना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसके लिए ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करें सीखने के लिए। तो अभी मैडम बता रही थी जब हम लोग भी किसी प्रकार का उर्वरक लेने के लिए जाते थे पैक्स से, तो उस पर से एक नैनो जो दिया जाता था, तो किसानों को लगता था कि ऊपर से एक जबर बोझ दिया जा रहा है। तभी आपने सुना कि आप जब ट्रेडिशनल यूरिया का व्यवहार करते छिड़काव वाला उसका मुश्किल से 25% ही लाभ होता है, लेकिन आप नैनो का प्रयोग करेंगे ड्रोन के माध्यम से तो आप उसका 90% प्रयोग में लाया जाएगा और 1 लीटर से आप 1 एकड़ में कर सकते हैं। यही ड्रोन का फायदा है और महिलाओं को इसके माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए भी व्यवस्था की गई है और इस तरह का भी अभी हमारे विकास आयुक्त ने बताया है। अब आपको धन्यवाद। एक चीज और, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जिन लोगों को किसी प्रकार का अगर ब्लड संबंधी टेस्ट कराना है तो यहाँ फ्री में अभी होगा, जिसका रिपोर्ट आपको कल सेंटर से डॉक्टर साहब दिला देंगे। तो मीटिंग के बाद आपसे डॉक्टर साहब आग्रह होगा, वहाँ 1 बजे से है, तो आधे घंटे रुक के जो लोग अपना टेस्ट मुफ्त में कराना चाहे और जो दवा आपके पास उपलब्ध है उसको देने का कर, तो आप लोग भी करा। जिनको आवेदन उज्ज्वला योजना के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए जो भी है वो भी उसके लिए यहाँ अधिकारी उपलब्ध है, आप उनको दे सकते हैं। और अभी हम आप लोगों के बीच कैलेंडर वितरण भी करेंगे और हम लोग करके आप लोगों के पास आते हैं, तो आग्रह है कि आप लोग अपने जगह पर बैठ जाए तो सहूलियत होगी, कृपया जगह ले। अभी उज्ज्वला योजना या स्वास्थ्य विभाग का काउंटर लगा हुआ है, इसके बाद चलता रहेगा, आप लोग जो भी बात होगी होगी। अब मुखिया जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैडम 1 मिनट, मैडम धन्यवाद ज्ञापन मुखिया जी के द्वारा, उसके बाद आप देंगे। मुखिया जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्या से बता, अच्छा से बोलिए, सारा काम होता है।
Thank you.